कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन है जो लगातार उनके इस बयान को लेकर उन पर हमलावर हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने ऐसा बयान देकर ये साफ कर दिया है कि वो हिंदू विरोधी, तो वहीं हिंदू संगठनों ने तो उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन तक किया है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इधर विपक्ष खासकर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते नजर आ रही है। विद्वानों ने कौन से ज्ञानी आ गए भाई, कौन से ज्ञानी आ गए? इस्लाम का तो बेसिक ही है कि किसी को ना डराओ ना किसी से डरो, अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं चाहिए, अल्लाह के सामने झुको। ये ज्ञानी कौन से आ गए भाई, कहां से ज्ञान लिया कर आ गए? ये किन ज्ञान बांटने वालों को जरूरत है कि पढ़ाई करें पहले? अब आरोप प्रत्यारोप के इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है। दरअसल राहुल गांधी की हिंदू वाले बयान पर हो रही जमकर आलोचना के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस सांसद का बचाव किया है, जिसके बाद इस मामले ने सियासी गलियारों में इस चर्चा को एक बार फिर गर्म कर दिया है। शंकराचार्य ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने पूरा वीडियो देखा है, राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल ने हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जाने तक की बात कह दी है। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है, उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। बताते राहुल गांधी ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब इसी साल 3 राज्यों और कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिंदुत्व पर राहुल के इस बयान को बीजेपी आने वाले इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद खुद को मजबूत समझने वाली कांग्रेस पार्टी को राहुल के इस बयान से परेशानी उठानी पड़ सकती है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।